वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल चेक लोन जॉब, सब्सक्राइब कीजिए चेक लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो ये हमारा पार्ट थर्ड है। शुरू पहला क्वेश्चन है हमारा कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, ठीक है, एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या फिर अमोनिया। सो स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे प्रकार से पूछा जा सकता है, मनुष्य में क्या होता है और हमारे जो ऊँट प्रजाति होती है जो रेगिस्तान में पाई जाती है उनमें क्या होता है उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। तो ये जले जीव है, आपको पता हुआ होना चाहिए कि इसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है और इस प्रकार के जंतु को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आंसर देने का प्रयत्न करिए, वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आई होप आपने वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया, और ये बहुत हानिकारक होता है, मैं आपको बता दूँ, तभी ये जले जीव इसको बार बार उत्सर्जित करते रहते हैं। जबकि आपको पता है कि जो हम ह्यूमंस बीइंग होते हैं थोड़ा लेट ऑलमोस्ट 2 घंटे 3 घंटे इतने टाइम बाद हम यूरिन पास करते हैं, क्योंकि हम में क्या होता है यूरिया उत्सर्जित करते हैं। जबकि हमारे जो रेगिस्तान के जंतु है आपको पता है कि काफ़ी दिनों तक उत्सर्जन नहीं करते यूरिन का, ठीक है, क्योंकि इसमें इनसे भी कम हानिकारक, यूरिया से भी कम हानिकारक चीज़ें अवेलेबल होती है, यूरिक अम्ल होता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि हमारे जो मछलियाँ हैं जलीय जीव हुए इनमें अमोनिया होता है, इनको बार बार उत्सर्जन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, ये लिया गया है 12th से NCERT की बुक से, ठीक है। क्वेश्चन अक्सर यहीं से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अवशोषण से तो नहीं होगा, वाष्प उत्सर्जन ही पॉसिबल है, उत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, पत्ती को, हरित लवक को या फिर स्टोमाटा या फिर जड़ को, बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी अंग। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लेफ यानी पत्ती, प्रकाश संश्लेषी अंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोटनी से अक्सर बनते हैं। बोटनी क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेट कॉम की क्लास ये डेली में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की करा चुका, फिजिक्स की मैं करा चुका, बहुत ही हेल्पफुल है, पढ़ने वाला तो कैसे पढ़ लेगा, ठीक है ना। मोबाइल से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना, जितनी स्कूल कॉलेज में नहीं हो पाती, कोचिंग में नहीं हो पाती, उससे बेटर जो पढ़ाई होती है वो मोबाइल से होती है। अगर आपके पास ईयरफोन है तो कोई कहने वाली बात नहीं, पूरा ज्ञान आपके अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो ईयरफोन का यूज करें, कानों में पूरा ज्ञान को भर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कूल कोचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट का ध्यान बढ़ता है इधर उधर, जबकि आप अपने घर पे आराम से मोबाइल से पढ़ सकते हो, पढ़ने वाला चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना, बताइए। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, फटाफट से कर लेते हैं स्टूडेंट। अभी बहुत सारे हमको फिजिक्स के भी करने हैं, भी केमिस्ट्री के भी करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल इनके एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो जल्दी से सोच लीजिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आई होप आपने सोच लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रंध्र, ठीक है, गैसों को आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं, ठीक है। अब चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेफड़ों का आकार क्या होता है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, गोलाकार, बेलनाकार, शंकुआकार या अंडाकार। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शंकुआकार, ठीक है, ऐसा ही होता है। एनाटोमी आप पढ़ोगे ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब देखने को मिलेंगे आपको मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में ना, लेबोरेटरी में, हॉस्पिटल में, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, लगाइए दिमाग किस प्रकार की है, बताइए। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपचयन, ठीक है, उपचयन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने, अरस्तू ने, मेलिस ने, या फिर स्टार्लिंग ने, या फिर ब्राउन ओस्ट ने? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था, ठीक है, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। अब चल हार्मोन के ऊपर वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूंगा, जितने भी बॉडी में हमारे हार्मोन है उसको छोड़ करके क्वेश्चन कैसे भी नहीं बनेंगे, क्वेश्चन हमारी बॉडी में जो है वहाँ से पूछे जाएंगे। ऑल बॉडी और ऑल ग्लैंड्स जितनी भी है उनके ऊपर मैं वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा, बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा हुआ तभी आप तक वो पहुँच पाएगा, मैं तो बहुत सारी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? यहाँ पर दिए हुए साइंटिस्टों के नाम एसिरियंस ने, डार्विन ने, मेडलिन ने, और फिर बेबीलोइन ने। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेंडल, ठीक है, सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क, वॉन मॉल ने, पुंगेज ने, या फिर अरस्तू ने? बताइए स्टूडेंट। जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस के अगर आप फैन होंगे तो आप ज़रूर इसको सोल्व करेंगे। 33 सिंपल सा क्वेश्चन है, लेमार्क एवं ट्रेविन ने। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? समझ लो अगर ये नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता फिर तो। जीव विज्ञान के यानी कि आपके आपने जो सब्जेक्ट लिया ना बायोलॉजी, उनके जनक कौन है? आपने 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट ली होगी तो उनके जनक कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और आपको जो भी सोचना है सही सोचना है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। आई होप आपने सोच लिया होगा और 100% सही सोचा होगा। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तू, सी। अरस्तू ही वह साइंटिस्ट है जो बायोलॉजी के जनक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पति विज्ञान के जनक बताइए बॉटनी के, बॉटनी के कौन है, जूलॉजी के कौन है? क्वेश्चन दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। आपकी जो बुक है बायोलॉजी की वहाँ पर स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि किसके जनक कौन है, देख लेना आप, वहाँ पर मिल जाएगा आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये भी देख लेना कि रासायनिक विज्ञान के कौन है, ये आपको जो केमिस्ट्री की बुक है इसमें मिल जाएगा, और जो फिजिक्स के कौन है वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो पूछा है कि बॉटनी के जनक कौन है, आई होप आपने ये वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो थियोक्रेटस, थियोक्रेटस हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये है बॉटनी के जनक, थियोक्रेटस हो जाएगा। और जीव विज्ञान के कौन है, अरस्तू। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, या फिर पुर्तगाली? बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक, ठीक है, ग्रीक हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट थर्ड क्लियर हो गया। अगर आपने पार्ट टू और पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलते रहे, और बीएस नर्सिंग एग्जाम जब भी आएंगे आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म बना स्टार्ट हो जाएंगे तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है।